हेलो फ्रेंड्स, वंदना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा और मीठी बड़ा, जिसे आम शब्दों में फुलौड़ा भी कहते हैं। चलिए इसे हम बनाते हैं। होली का त्यौहार आ रहा है और होली में सब लोग बड़े चाव से बनाते हैं, तो चलिए इसे हम देखते हैं ये कैसे बनता है। हमने 150 ग्राम धोई लिया है, जिसे हमने 6 से 7 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अब इसको पानी से अलग करके हम इसे जार में पीस लेंगे। इसे थोड़ा दरदरा ही पीसा जाता है, देखिए हमने दरदरा पीस लिया है। और इसमें डालने के लिए हमने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग और अदरक, मरीच, काजू और बादाम और हींग, जीरा लिए हैं। इन सबको मिक्सी में हम पीस लेंगे। सबसे पहले हम ये गरम मसाला, जीरा, मरीच डाल करके अदरक को टुकड़ों में करके हम पीस लेंगे। तब हम ये मेवा डाल देंगे और हींग डाल देंगे और इन सबको थोड़ा मोटा दरदरा पीस लेंगे। और इन सबको निकाल करके हम उड़द की दाल में मिक्स कर लेंगे। इन सबको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, ताकि फेंटने से ये होता है कि ये अच्छे से हल्का भी हो जाता है और जब हम इसे तलते हैं तो ये फूलता भी है और कड़ा नहीं होता है। देखिए इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है और जितने अच्छे से ये फेटा जाए उतना सही रहता है। हमने एक कढ़ाई में सरसों तेल डाला है और एक पैन में हमने 2.5 गिलास तक पानी लिए हैं। इसमें हम 300 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। इसको हम चाशनी बनाएंगे और ये तेल गरम हो गया है। हम इसमें इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा ले करके चपटा करके हम तेल में डालते जाएंगे। देखिए ऐसे बड़ी बनता है। आप अपने मन के अनुसार छोटा या बड़ा बड़ी कर सकती हैं। हमें तो इतना ही बड़ा बड़ा बनाना था, ये बड़ा ही है। देखिए अब इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए हम इसको तल लें। उस मीडियम फ्लेम पे इसे तलना है, हाई लेवल फ्लेम नहीं करना है और ना ही लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर इसको तलेंगे। और देखिए थोड़ा सा ये तल गया है, तो अब हम इसको काटे वाली चम्मच की सहायता से इसको छेदेंगे। देखिए हमने काटे वाली चम्मच की सहायता से इसको छेद रहे हैं। इसको छेदना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये बड़ा बीच में कच्चा रह जाएगा और खाने पर ये नुकसान कर देगा। इसलिए इसको तलते समय हम इसको छेदते हैं। और ज़्यादा तल जाने के बाद ये छेदाता नहीं है, इसलिए बड़ी जब तेल में डालें तो 2 मिनट के बाद दोनों तरफ से थोड़ा सा सिक जाता है, तो तभी हम इसको आसानी से छेद कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सुनहरा होने तक भूनते हैं और तलते हैं। ये चाशनी भी तैयार हो गया है। अब गैस हम ऑफ कर देंगे, चाशनी वाला। और ये बड़ा भी सुनहरा हो गया है, थोड़ा सा और सुनहरा करना है। देखिए ये हो गया है, ये चलाने पर खरखर का आवाज आता है, थोड़ा ज्यादा इसको सुनहरा किया जाता है। देखिए अब ये छिदा नहीं रहा है।
अब इसको इसमें से निकाल करके हम चाशनी में डुबा देंगे। देखिए हमने बड़े को निकाल करके कितना खरखरा तले हैं, और चाशनी में इसको डुबा के रख देंगे। अब ऐसे ही सारे हम बड़े को तल देंगे, और जब भी बड़ा हम तलने के लिए हाथ में लेते हैं ये मिश्रण को, तो उसको एक दो बार फेंट लेना चाहिए। देखिए हमने दही बड़े को गार्निश करने के लिए जीरा मरीच धनिया सूखा मिर्चा लिए हैं, इसको हम तवे पर सौटे करेंगे। देखिए सौटे हो गया है, इसको ठंडा करके हम जार में पीस लेंगे। देखिए ठंडा हो गया है, इसको हम जार में डाल करके इसके साथ काला नमक भी ऐड कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। देखिए दरदरा इसको हम पीस लिए हैं, और ये बड़ा जो जितना डालना था चाशनी हमने डाल दिया था, ये चाशनी को सूख लिया है, एडजस्ट कर लिया है। इसको चाशनी में से दबा करके निकाल लेंगे कि चाशनी इसमें से जो अंदर गया है वो निकल जाए और थोड़ा मीठापन का स्वाद रह जाए। देखिए हम को जितना भी बड़ा दही में डालना है उसको अलग कर लिया है। अब ये जीरा मरीच लवंग इलायची दालचीनी और ये सूखा मिर्चा और तेज पत्ता है, हम जो चाशनी में बड़े डाले थे उस चाशनी को में तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हम जीरा हींग सूखा मिर्चा और तेज पत्ता डाल करके इसको चटका के और चाशनी में तड़का लगाएंगे। और जो हमने जीरा और बड़ी इलायची लवंग दालचीनी लिए थे उसको पीस करके हम इस चाशनी में डाल देंगे, और आम की खड़ी खटाई को इसमें डालेंगे। देखिए खड़ी खटाई को हमने भिगो के रख दिया था, इसको इसमें से निकाल करके हम चाशनी में डाल देंगे। उसके बाद चाशनी को 5 से 6 मिनट तक गैस पर पकाएंगे ताकि जो भी हम इसमें डाले हैं वो सब चाशनी में उसका स्वाद आ जाए। अब मीठी बड़े के लिए हम ये बड़ा तल रहे हैं, ये भी तल गया है, सुनहरा हो गया है। अब इसे इसमें से निकाल करके हम मीठी चाशनी में डाल देंगे। तो इसे हम फुलौड़ा बना रहे हैं, आम शब्दों में इसे फुलौड़ा कहते हैं। देखिए इसमें डाल करके हम करीब 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हम ढक के रखेंगे ताकि ये बड़ा चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। देखिए हमें बड़े जितना डालना था हमने इसमें डाल दिया है तल करके, और इसको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे। चलिए ये तैयार है फुलौड़ा। अब चलते हैं दही भल्ला बनाने के लिए। तो हमने दही लिया है, उसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेना है, और जो चाशनी में से हमने बड़े को निचोड़ के निकाला था चाशनी, तो बड़े को उसमें दही में हम डुबो देंगे। ये दही 600 ग्राम है, और हम इसमें हम बड़े को अच्छे से डुबो देंगे। हमने 150 ग्राम धोई में ये दोनों चीज बनाए हैं, दही बड़ा और फुलौड़ा। देखिए कितना अच्छा से बन गया, कोई झंझट नहीं। और इसको भी हम ढक करके 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि दही को एब्जॉर्ब कर ले। देखिए 1.5 घंटा हो गया है, चलिए इसे हम सर्व करते हैं। देखिए वाह कितना अच्छा बना है, एकदम परफेक्ट बना है। और ये है दही बड़ा
चलिए इसे गार्निश करते हैं। आप भी बनाइए होली में और देखिए कितना स्वादिष्ट और टेस्टी बनता है। और ये जो हमने नमक वाले मसाला बनाए थे उसी से हमने ये गार्निश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ये मसाला भी बना है। और इसके ऊपर से आपको मीठा उठा कुछ नहीं डालना है, क्योंकि हमने बड़े को मीठी चाशनी में डुबोए थे इसलिए इसमें मीठापन है। बस ऐसे बनाइए, देखिए कितना अच्छा ये फूल भी गया है। वाह कितना अच्छा बना है। आप भी बनाइए और देखिए कितना अच्छा बनता है। और हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें। देखिए ये फुलौड़ा भी बन गया है। मार्केट में फुलौड़ा नहीं मिलता है, दही बड़ा तो मिल जाता है पर फुलौड़ा नहीं मिलता है। देखिए खट्टा मीठा तीखा ये फुलौड़ा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इसे जरूर बनाएं, ट्राई तो जरूर करें। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।